हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूं दिनेश सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 3-4 दिनों से जमशेदपुर में कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो आज मैं आ चुका हूं दुमानी आपको दिखाने कि जमशेदपुर का जो दो प्रमुख नदी है, खरखई और स्वर्णरेखा, दोनों नदियों में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसा हालात बन चुका है। दोस्तों, चलिए वीडियो पर बने रहिए, आपको सब चीज़ दिखाने वाला है। मेरे सामने देख सकते हैं, इधर से खरखई रिवर आ रहा है और पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, और ये है स्वर्णरेखा रिवर, दो नदी यहाँ पर आके मिलता है। चलिए नीचे से आपको जाके दिखाते हैं। दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, अभी हम एटमॉस्फेयर का जो सामने वाला रास्ता से नीचे जाता है, यहाँ तक पानी आ चुका है, जो कि कितना नीचे रहता है पानी। देखिए, ये है खरखई रिवर और ये है स्वर्णरेखा रिवर, दोनों नदियाँ यहाँ पे आके मिलता है, इसीलिए इसका नाम दुमानी है। हम जस्ट नीचे पहुँचने ही वाले हैं, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए ऊपर एटमॉस्फेयर, और हम अभी नीचे आ रहे हैं। यहाँ तक पानी आ गया है, जो कि उतना दूर रहता था, कितना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है। देखिए, वाह, पूरा समुंदर जैसा दिख रहा है। साइड से चलते हैं। ये देखिए गाइस, कैसा लग रहा है। दो नदियों का संगम है ये दुमुआनी। देखिए, स्वर्णरेखा और खरखई रिवर का पानी का जो स्तर है, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हम खड़े होकर आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए, अभी जो मेन दुमुआनी वाला जो गेट है, वहाँ से आपको दिखाते हैं सीढ़ी जो बना हुआ था, कितना दूर तक पानी है। तो चलिए उधर चलते हैं। ये है दुमुआनी, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है। ये देखिए, ये है शिव जी का मंदिर, और वो है बजरंग बली मंदिर। सामने एक काली मंदिर भी बना है, और अभी यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे एक ठो बहुत अच्छा गेट बनाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से नीचे उतरेंगे और दिखाते हैं पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। वाह, देखिए पानी, सामने से जो आ रहा है वो स्वर्णरेखा नदी है। आपको पता चल रहा होगा, दो नदियाँ के मिल रहा, उधर से एक नदी, इधर से एक नदी। नीचे बहुत सीढ़ी है। देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है पेड़ों के बीच से ये वीडियो, और पानी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ तक पानी आ गया है, और उधर तो आपको दिखाइए कितना पानी है। दोस्तों, ये था एक छोटा सा आप सबके लिए अपडेट कि जमशेदपुर का जो प्रमुख नदी है, कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।